जय किसान, मैं रवि यादव। साथियों, आज 19 अप्रैल को फिर लोहारू में एक बड़े गड़बड़ झाले का आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने खुर्द बुर्द करके जमीन की रजिस्ट्री करवाई और करोड़ों की जमीन को हथियाने का काम करते हुए अपने बेटे के नाम से 10,000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस बनाने की तैयारी कर ली, जिसका हमने खुलासा किया। मजबूती से डटे रहे और मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ताकत किसकी? आपकी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा है, वर्षों से लोहारू विधानसभा का जो लोहारू शहर है भिवानी जिले में, वहां एक अस्थाई आबाद सब्जी मंडी है और जो लोहारू का दिल मानी जाती है जो जगह, और जिस जगह की कीमत करीब करीब मार्केट के हिसाब से 300 से 400 करोड़ रुपए है, और समय समय पर वहां सैकड़ों हजारों लोग सब्जी की रेडियां लगाते हैं, लोहार अपना काम करते हैं, कुहार अपना काम करते हैं, और तरह तरह के सैकड़ों हजारों लोग अपनी रोजी रोटी वहां कमा करके खाते हैं, और वो सरकारी जगह है, लेकिन बार बार फर्जी मलकियत ला करके उस जमीन के ऊपर कब्जा करने की अनेक पिछले कई सालों में कई बार कोशिश हो चुकी है, और पिछले दो हफ्ते में भी दो बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। लेकिन हम स्पष्ट कर दें, और ये सारा कुछ हो रहा है सत्ता के इशारे पर। बात तो यहां तक सुनने को मिल रही कि बहुत बड़े जो मंत्री जी हैं हमारे, उनका हिस्सा इसके अंदर मिला हुआ है 50% से ज्यादा इस सब्जी मंडी वाली जगह में। तो हम सबसे पहले तो वहां जितने लोग काम कर रहे हैं उनको ये आश्वस्त कर दें कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े, आपके रोजी रोटी के ऊपर और पेट के ऊपर लात नहीं लगने देंगे, ठोकर नहीं लगने देंगे। और इसी के साथ हमारी सरकार से अपील है, क्योंकि अधिकारी इस जमीन को बचाना चाह रहे, लेकिन अधिकारियों से भी अपील है कि वो सत्ता के दबाव में ना आए। सत्ता के दबाव में आए तो उनके खिलाफ भी कड़ा निर्णय लिया जाएगा। और सब्जी मंडी एसोसिएशन से भी अपील है कि वो अधिकारियों के साथ मिलकर के इस जमीन को बचाने का काम करे, और इस जमीन के ऊपर सरकार कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए, क्योंकि जमीन सरकार की है, वो यहां पर मार्केट डेवलप करे, यहां पर कोई मॉल डेवलप करे, और जो ये रेड़ी वाले भाई हैं, जो वहां पर गरीब भाई काम कर रहे, वो जगह उनको दी जाए, ताकि उनकी भी तरक्की हो और वो भी अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने का काम करें। मेरी सबसे यही अपील और प्रार्थना, इस वीडियो को शेयर करें, और जो ये करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है इसको सत्ता के इशारे पर किसी के पास ना जाने दें। पूरी लड़ाई लड़े, मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, और अधिकारियों के साथ मजबूती से एसोसिएशन भी खड़ी हो, और पूरी पैनी निगरानी रखे, और जो यहां मार्केट बने उसमें यहां काम कर रहे लोगों को वो दुकानें दी जाए। ये बेशकीमती जगह है, इसको झूठ बोल करके जो सत्ता में आए और अब लोहारू की एक एक इंच जमीन को जो बेचना चाहते हैं, उनके मंसूबे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे।